हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं वीडियो बनाने में ज़रूर लेट हो जाता हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपको पूरा कंप्लीट करके ही दिखाऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं शुरू कर रहा हूँ पोस्टर की डिज़ाइनिंग, उर्दू पोस्टर की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसके मुतालिक बहुत सारी मैं बातें आपको बता चुका हूँ कि कैसे बॉर्डर बनाएंगे, कैसे आप कोई आर्टवर्क बनाएंगे और कैसे उसमें कलर करेंगे, कैसे क्लिप आर्ट डाउनलोड करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्लिप आर्ट्स होते हैं वो सब कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से साइट्स होती हैं, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बना के दिखाऊंगा कुछ हेडिंग्स वगैरह बना के दिखाऊंगा आपको, जैसे कोई पोस्टर की हेडिंग है वो बना के दिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा जैसे कोई मैटर दिया गया है, किसी ने लिख के दिया है, किसी ने टाइप करके दिया है, तो वो हम कैसे सेट करते हैं, कैसे हम फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम बनाने का भी तरीका बताऊंगा। और इसके पहले मैं जरूर समझता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास के जरिए सीखना है, ऑनलाइन क्लास लेकर के फेस टू फेस रू बरू आकर के सीखना है, कोई बात पूछना है, प्रिंटिंग के सारे टिप्स पूछना है, जानना है, और डिज़ाइनिंग के सारे टिप्स जानना है, सीखना है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े, जरूर जुड़े, ठीक है ना। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अभी कीजिए कांटेक्ट। जैसे ये पोस्टर है तो इस पोस्टर में क्या क्या यूज़ किया गया है, कैसे बनाया गया है, और इसका जो कंटेंट है ना वो कंटेंट ये है, किसी ने हाथ से लिख करके दे दिया था इसे, ये कंटेंट हमारा हो गया, इसी कंटेंट को यूज़ करके मैंने बनाया। अगर आप इसको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि किस तरीके से कैसे बनाऊं, क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, बहुत सारी बातें होती हैं ना। अब सबसे पहले मैं बना के दिखाता हूं हेडिंग। जो पोस्टर की जान होती है वो है हेडिंग, ठीक है ना। इस हेडिंग को कैसे बनाएंगे आइए हम ये देखते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं, बाकी इसकी लेआउटिंग, इसका खाका जो है बाद में बना के दिखाता हूं, पहले मैं हेडिंग बना के दिखाता हूं। अब मैं चलता हूं यहां पर, ये मैंने ओपन किया, क्या है ये हमारा है इन पेज, मैंने टाइप किया सीरते हौसे आजम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, लिखने के लिए आपने इसे टाइप कर दिया, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे इसमें टाइप करते हैं, टाइप करके ले जाके इसे चिपका देते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। इसको कई तरीके से आप इसको सजा सकते हैं, बना सकते हैं, हेडिंग जो है कई तरीके से आप बना सकते हैं। अगर चाहें जैसा ये बना हुआ है आप चाहें ऐसे भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी बना सकते हैं, कई तरीके हैं, वो आपके ऊपर है कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल कैसे है। यही सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए, ये सब सीखने के लिए ना आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है ना। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे लिखेंगे इसको, कैसे बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको से जो है ये मैंने कसिस में दे दिया, ये भी मैंने कसिस में दे दिया, आजम लिखा है इसको मैंने कसिस में दे दिया। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है, कौन सा फॉन्ट है, ये फैज नस्तालिक फॉन्ट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, से को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, यहाँ चलने के बाद ऑलवेज लिखा है, करनिंग ऑलवेज कर दिया, इस आजम को भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऑलवेज कर दिया, ये हो गया हमारा कसिस, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो जैसे ये कुछ ऐराब नहीं, ऐराब वहाँ से नहीं ले सकते, ये ज़बर ले सकते हैं, यहाँ से ज़बर लेने के लिए कोई बात नहीं, आप जो है ऐसे कर दीजिए, ज़ेर ले लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए कुछ ऐसे, जो है इस तरीके से टाइप कर लीजिए, इसके ज़ेर ज़बर, इसके ऐराब वगैरह जो ज़रूरत हो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सिर्फ इतना लिया मैंने। अब क्या करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो काफ लिखा हुआ है और ये वाला काफ बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर काफ लिखता हूँ या कॉन्फ्रेंस पूरा लिखता हूँ, कॉन्फ्रेंस पूरा लिख करके अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि नस्तालिक फॉन्ट ले लेता हूँ, कोई दूसरा फॉन्ट, इन पेज नस्तालिक फॉन्ट ले लिया, ये वाला फॉन्ट, इसका काफ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं कॉपी किया, मतलब यहाँ से गए एक्सपोर्ट पेज किया, यहाँ पे सिलेक्टेड किया, यहाँ पे इसको हटा दिया और ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे आ गया, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल यू किया, अब यहाँ देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, नई वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं, स्किप कर जाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दिया इसे साहब, इसको यहाँ ना रख करके पहले सबसे पहले एक गाइड ले लीजिए इसे, मैं इसे ले लेता हूँ एक गाइड, ए तकरीबन ऐसे कर दिया गाइड, ए यहाँ कर दिया इसे, ठीक है साहब, ऐसे कर दिया। अगर लगे तो थोड़ा सा और करीब कर सकते हैं, मैं पहले इसको थोड़ा सा सेट करके देखूँ, यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर दिया,
और यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर देंगे तो ये जो है निकल जाएगा और ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये गायब हो गया। इस कंडीशन में अगर गायब हो जाता है तो आप यहाँ से ऐसे ऑटो क्लोज कर्व कर दीजिए, आ जाएगा। फिर इसको लेकर के यहाँ आप कर दीजिए, अब अलिफ जो है यहाँ कहीं लगाइए, देखिए इसको यहाँ, इस अलिफ को यहाँ लगा सकते हैं, गुड, यहाँ लगा लीजिए। अब ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगने लगा। अब क्या करें, ये वाला जो काफ है ये, अब इसको हम लेते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को लेते हैं, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है इसके बनिस्बत। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, ऐसे नीचे लेकर के थोड़ा सा इसको भी सेट कर लिया यहाँ पर, अपने हिसाब से देख लीजिए, इसको और हल्का से इसे छोटा कर दिया। और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ साहब, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ, ये देख लीजिए कितना प्यारा है। अब इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये कितना खूबसूरत बन गया देखते ही देखते। अब यहाँ देखता हूँ मैं क्या है, कैसे बना हुआ है, हाँ ठीक है, तकरीबन ये भी ठीक ही है जैसे है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ एराब दे करके उसको भी सजाता हूँ, कुछ इस तरीके से कर दिया, यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे जो यहाँ जबर है, जबर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ पर इसको लगा दिया, ये आपका हो गया गौसे आजम, ये यहाँ पे लगा दिया गौसे या आजम, आजम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक जजम लगा सकते हैं यहाँ पर। और कॉन्फ्रेंस में अगर चाहें आप तो ऐसे हल्का सा छोटा कर लीजिए, नहीं तो गाफ की तरह पढ़ा जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ जो जगह बच रही है ना, यहाँ अगर चाहें आप तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से मैं पहले इंग्लिश फ़ॉन्ट लेता हूँ, इंग्लिश कीबोर्ड, यहाँ पे मैं चलता हूँ, लिखता हूँ मैं आगा इस्लामिक फ्रेजेस, एक हमारे पास फ़ॉन्ट है। अब यहाँ मैं इसे टाइप करता हूँ, देखता हूँ ये लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डिलीट करके इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लुक बढ़ गया इसका, ये आप लोगों के पास भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में होगा, आप वहां से लगा सकते हैं। इसको मैंने कर्व कर दिया, ठीक है साहब, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, अब यहां चलेंगे, यहां से मैं कुछ एक एराब ले लेता हूं यहां से, क्यों मैं इधर उधर कहीं ना कहीं से एराब ले रखा हूं, तो मैं यहीं से ले लेता हूं। ये जो कैल्क का है एराब, इसको मैं ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं और ये भी ले लेता हूं और ये, ठीक है, इतना सारा ले लिया मैंने। अब इसको कहाँ कैसे सजाना है आपको, इसको जहाँ जहाँ जगह दिखे आपको, आप ऐसे थोड़ा छोटा करके यहाँ लगा सकते हैं, आप जगह आपको दिख रही है यहाँ आप लगा सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, हल्का सा बस टच ना होने पाए, यह हो गया। इसको भी छोटा करके आप यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ हो गया कॉन्फ्रेंस, इसको भी छोटा करके यहाँ लगा लीजिए आप, इसको भी छोटा करके आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, और इसको लेकर के आप इधर उधर कहीं ना कहीं आप सेट कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसे छोटा करने के बाद यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, और देख लीजिए यहाँ भी थोड़ा छोटा करके यहाँ कर लीजिए आप, और यहाँ भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको यहाँ करके आप जो है ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये आपकी हेडिंग बन के तैयार हो गई, ठीक है ना, हेडिंग बन गई। अब आप चाहें तो थोड़ा सा ये जो मीम, ये जो इधर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे निकल रहा है, इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट बनाएं, यहाँ से एक पॉइंट बनाएं, पॉइंट बनाने के बाद इसको आप ऐसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट करके थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलिए हल्का से यूं, अब जो है बेहतरीन ये हेडिंग हो गई। अगर हल्की फुल्की कहीं स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ भी ऐसे ये एराब लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये जो है मिल गए, हेडिंग आपको मिल गए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही हेडिंग बना के दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको कि इसका खाका कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलता हूँ, अगली वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।